अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद मेडिको। कैसे हैं आप सब लोग? हमारा न्यू टॉपिक है एनिमल्स टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट्स टिश्यू कंप्लीट कर लिया था, अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कितने टाइप्स हैं और उनके कितने फंक्शंस हैं। एनिमल्स टिश्यू के फोर टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के सेल सिंगल लेयर के होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, और इनकी पोजीशन होती है कि ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल का स्ट्रक्चर हो गया सिंगल लेयर और क्लोजली पैक्ड, यानी कि इसके जो सेल होते हैं वो सिंगल लेयर के होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, और इसकी पोजीशन आ जाती है प्रेजेंट इन ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स में होते हैं प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट करते हैं सेल्स एंड फाइबर्स पे। कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट भी होते हैं और कुछ हार्ड भी होते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं बताती चलूँ कि फैटी टिश्यू जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू के एग्जाम्पल में आते हैं, और हार्ड टिश्यू में हमारी बोन और कार्टिलेज आ जाती हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी बोन्स कितनी हार्ड होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती, तो इसीलिए वो हार्ड टिश्यू की एग्जाम्पल में आ जाती हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि हमारा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू ही है, और ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बॉडी में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। यह हो गया है कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट। इसका फंक्शन आ गया है प्रोवाइड सपोर्ट टू द ग्लैंड, यानी ग्लैंड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कंसिस्ट करता है सेल्स एंड फाइबर्स पे, और इसकी एग्जांपल आ गई है सॉफ्ट टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू। अब आ जाता है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू के नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करते होंगे। मस्क्यूलर टिश्यू मसल फाइबर बनाते हैं, और मस्क्यूलर टिश्यू हमारी बॉडी और बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस तरह हमारे हाथ पैर हिल रहे होते हैं, जितने भी जहाँ भी मसल्स पाए जाते हैं उनकी मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। अब आ जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक ऐसे सेल से मिलकर बनते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल या न्यूरॉन मैसेज कंडक्ट करते हैं। आसान वर्डिंग में बोला जाए तो ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कि जैसे आप अगर आप छत से अपना पैर आगे बढ़ाएं, सही है, तो आपका ब्रेन आपको फौरन एक्टिव कर देगा कि नहीं, आप यहाँ से गिर जाएंगे। तो ये किसका काम है? ये न्यूरॉन्स का काम है कि आपको फौरन एक्टिव करता है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो नर्व सेल और न्यूरॉन का ये काम है कि मैसेज कंडक्ट करता है लाइक इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे तेज़ी के साथ फैलता है, इसी तरह ही जो नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है, और नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये हमारा नर्वस टिश्यू हो गया है। इसका स्ट्रक्चर आ जाता है फॉर्म्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स। ये न्यूरॉन से मिलके बनते हैं, और फिर इनका फंक्शन है कि ये मैसेज कंडक्ट करते हैं। ये हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद एजुकेशनल वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।